दोस्तों हमारे हिंदी रेल टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन बटन ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आईबी सिग्नल के बारे में। तो इसे इस प्रकार डिफाइन किया गया है, वह होम सिग्नल जो इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट पर लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सेक्शन के डबल लाइन में ही लगाया जाता है। लंबे ब्लॉक सेक्शन को इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट या सी क्लास स्टेशन के जरिए इसे दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और ये दोनों हिस्सा एक अलग अलग ब्लॉक सेक्शन की तरह कार्य कर रहा है। आईबी सिग्नल का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल, क्योंकि यह इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट पर लगाया जाता है। आईबी सिग्नल को पहचान के लिए इसके सिग्नल पोस्ट पर आईबी मार्कर बोर्ड लगाया जाता है, जो कि वाइट सर्कुलर बैकग्राउंड में काले अक्षर से आईबी लेटर लिखा हुआ रहता है। अब प्रश्न उठता है कि आईबी सिग्नल की आवश्यकता रेलवे को क्यों पड़ी। तो सेक्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा गाड़ियों के विलंबन के समय को कम करने के लिए, क्योंकि आईबी सिग्नलिंग सेक्शन में एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांट देने से पहले जहां एक लंबे ब्लॉक सेक्शन में केवल एक ही गाड़ी चलता था और अब यहां एक साथ दो ट्रेन जा सकता है। आईबी सिग्नल को पीछे वाले स्टेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी इस सिग्नल का ऑपरेशन पीछे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर करेंगे। दोस्तों दोनों ब्लॉक सेक्शन में से पहला वाला ब्लॉक सेक्शन ट्रैक सर्कुलेटेड या एक्जल काउंटर युक्त होता है और जब यह सेक्शन खाली होता है, यानी पिछला स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल से लेकर इस आईबी सिग्नल के आगे एडिक्वेट डिस्टेंस तक का भाग क्लियर रहने पर ट्रेन को आईबी सिग्नल तक भेजा जा सकता है, वह भी बिना अगले स्टेशन से लाइन केयर लिए हुए। लेकिन ये आईबी सिग्नल तभी ऑफ होगा जब अगला स्टेशन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के जरिए पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर ना दे दे, और जैसे ही लाइन क्लियर मिलेगा पिछला स्टेशन आईबी सिग्नल को ऑफ करेंगे और गाड़ी आगे बढ़ेगी, और जैसे ही ये गाड़ी एडिक्वेट डिस्टेंस क्लियर करेगी पिछला स्टेशन से पुनः दूसरा ट्रेन चल पड़ेगी। इसी तरह आईबीएस सिग्नलिंग सिस्टम में एक साथ दो ट्रेन चलता है। दोस्तों यहाँ पर आईबी सिग्नल ही फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल दोनों। दोस्तों आईबी सिग्नल को भी किसी अन्य सिग्नल के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। तो चलिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं आईबी सिग्नल के एस्पेक्ट के बारे में। तो जब इसे किसी अन्य सिग्नल के साथ कंबाइन नहीं किया जाता है तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, नीचे लाल जलता है जबकि ऊपर ग्रीन जलता है। लाल ऑन एस्पेक्ट है, यानी ट्रेन आईबी सिग्नल पर रुकेगी, जबकि ग्रीन ऑफ एस्पेक्ट है, यानी ट्रेन आईबी सिग्नल को पास कर आगे बढ़ेगी। दोस्तों जब आईबी सिग्नल को डिस्टेंस सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाता है तो इसे आईबी कम डिस्टेंस सिग्नल के नाम से जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में इसके चार एस्पेक्ट होते हैं। पहला लाल एस्पेक्ट, मतलब आगे का ब्लॉक सेक्शन साफ नहीं है यानी गाड़ी रुकेगी। वन येलो, मतलब आगे का होम सिग्नल लाल है और गाड़ी होम सिग्नल पर रुकेगी। डबल येलो, मतलब गाड़ी स्टार्टर के पास रुकेगी या लूप लाइन से पास करेगी। और चौथा एस्पेक्ट है हरा, मतलब गाड़ी आगे का ब्लॉक सेक्शन साफ है और गाड़ी मेन लाइन से बिना रुके पास करेगी। दोस्तों आईबी सिग्नल के साथ आवश्यकता अनुसार आईबी डिस्टेंस सिग्नल भी लगाया जा सकता है।